सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को, और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे यूपी वृद्धा पेंशन योजना की लिस्ट कैसे आपको देखनी है, 2021 की जो लेटेस्ट लिस्ट है वो कैसे आप निकालेंगे। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको यूपी वृद्धा पेंशन योजना लिस्ट के बारे में हम देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पूरी जानकारी आपको दे रखी है, कैसे आपको आवेदन फॉर्म भरना है, कैसे आपको लिस्ट देखनी है। तो यहाँ आपको जो लिस्ट का जो लिंक दे रखा है उस पर आप क्लिक कर देंगे, या जो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं यूपी वृद्धा पेंशन योजना की जो ऑफिशियल साइट है, इस पर आप आ चुके हैं। यहाँ वृद्धा पेंशन एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं वृद्धा पेंशन, ऑनलाइन आवेदन, लॉगिन, आवेदन की स्थिति, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। लेकिन आपको पेंशनर लिस्ट देखनी है, यानी कि यूपी वृद्धा पेंशन योजना की लिस्ट देखनी है, तो पेंशनर सूची आप देख रहे हैं, इसके नीचे पेंशनर सूची 2020-21 का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एक नए पेज में आप आ चुके हैं, और टोटल बेनिफिशरीज जो हैं उनकी एक ये लिस्ट आ चुकी है। लेकिन ये लिस्ट आप देख सकते हैं जनपद वाइज आ रखी है, और वृद्धा पेंशन की अलग अलग जो पेंशन योजना है उनकी ये लिस्ट आ रखी है, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत भुगतान धनराशि, और प्रथम त्रैमासिक में भुगतान की गई धनराशि, इस तरह से अलग अलग आ रखी हैं, क्वार्टर वाइज ये आ रखी हैं। तो इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ अपना सबसे पहले आप जनपद अपना सिलेक्ट कर लेंगे, जनपद जो भी है उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद विकास खंड की सूची आ जाएगी, जनपद सिलेक्ट करने के बाद तो अपना विकास खंड आप इस तरह से चुन लेंगे। विकास खंड पे क्लिक करके अब आपके सामने ग्राम पंचायत की एक लिस्ट आ जाती है, यहाँ आपके जो विकास खंड है उसमें जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनकी एक लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत की लिस्ट आ रखी है, इसमें से आपको अपना जो आपका गांव है या जो ग्राम पंचायत है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। ग्राम पंचायत पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस तरह से उस ग्राम पंचायत में जितने भी जो गांव हैं उन सभी की एक लिस्ट आ जाती है। उसी के सामने आप देख सकते हैं कुल पेंशनर्स कितने हैं उस गांव में, और कुल धनराशि कितनी उनको मिली है अब तक, इस तरह से ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपने क्या करना है, जो कुल पेंशनर्स हैं उनके नीचे उनका नंबर है एक, उस पर आप क्लिक कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं साथ ही वृद्धा पेंशन क्वार्टर फर्स्ट और क्वार्टर सेकंड और क्वार्टर थर्ड, यहाँ तीन देख सकते हैं आप, तीन क्वार्टर में कितनी कितनी पेंशन कितने कितने लोगों को मिली है। तो लिस्ट देखने के लिए आप इस तरह से जो कुल पेंशनर्स हैं उनके नंबर के ऊपर इस तरह से क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पूरी एक लिस्ट आ जाती है, रजिस्टर संख्या, पेंशनर का नाम, उसके पिता का नाम, लिंग, आयु, वर्ग, पूरा यहाँ डिटेल देखने को मिल जाती है, बैंक कौन सा है, अकाउंट नंबर के लास्ट डिजिट मिल जाते हैं, पेमेंट रिलीज हुई है या नहीं हुई है उसकी जानकारी भी आपको यहाँ मिल जाती है। साथ ही यहाँ देख सकते हैं कि कब कब कितना कितना पैसा उनको मिला है, तो ये आप देख सकते हैं। पहला जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो भुगतान हुआ है 1000 रुपये का हुआ है। उसके बाद जो प्रथम त्रैमासिक में भुगतान की धनराशि जो मिली है, प्रथम चक्र की 1000 रुपये मिली है और द्वितीय चक्र की 500 रुपये मिली है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप, लिस्ट देख सकते हैं, इसमें किन किन लोगों का नाम है वो देख सकते हैं, कुल कितने नाम हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और इस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है वो भी आप देख सकते हैं। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है, आपको यहाँ ट्रांजेक्शन में पेमेंट रिलीज दिखा रहा है, यहाँ धनराशि में दिखा रहा है कितना कितना पैसा मिला है, तो आप अपने बैंक में जाके ये पैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना की लिस्ट निकाल सकते हैं, और लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप यूपी वृद्धा पेंशन योजना 2021 की लिस्ट निकाल सकते हैं, इस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है ये आप चेक कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और साथ ही अगर यूपी वृद्धा पेंशन योजना से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई समस्या आपको आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।